नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच की बात। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। पूरे देश में अब तक कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक देश में अब कोरोना से 1886 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के भीतर 103 मौत कोरोना के चलते हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के तहत ये जानकारी आपको साझा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 3390 केस सामने भी आए हैं, यानी लगभग 3400 केसेस सामने आए हैं। देश भर में 16,540 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना रिकवरी रेट 29% से ज्यादा हो चुका है। 42 जिलों में 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। 16 जिलों में कोई कोरोना केस ही नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कहीं राहत है तो कहीं सरदर्दी बहुत ज्यादा है। 42 जिलों में 28 दिन से कोई नया केस सामने नहीं आया, जबकि 216 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी तक कोरोना का कोई केस है ही नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि देश में आंकड़ों में इजाफा हुआ है और लगभग आपको बता दें 3000 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटों के भीतर आने का अनुमान है। 1886 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 24 घंटों के भीतर ही 103 मौत हुई है कोरोना के चलते। 3400 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे के भीतर। देश भर में 16,540 लोग लेकिन अब तक ठीक भी हुए हैं। 29% से ज्यादा का अभी रिकवरी रेट है। 42 जिलों में 28 दिनों से कोई केस नहीं आया, लेकिन 216 जिले ऐसे भी हैं जहां पर कोई भी सिंगल पॉजिटिव केस नहीं है अभी तक। देश भर में कोरोना से 1886 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 103 मौत देश में अब तक 16,540 पीपल कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और टोटल 37,916 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि कंफर्म केसेस की संख्या में 3,390 केसेस का इंक्रीज नोट किया है, पर साथ ही 1,273 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योर पेशेंट की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर तीन में से एक पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है। यह रिकवरी रेट जैसे कि हम बताते रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। कल का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि जो हमारे पेशेंट एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं, उनमें से 3.2% ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 4.7% आईसीयू सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज पा रहे हैं और साथ में 1.1% पर्सन जो हैं वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो पाते हैं कि 216 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 42 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। 29 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 21 दिन से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 36 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 14 दिन से कोई केस नहीं आया है और 46 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 7 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमारा एफर्ट है कि हम फील्ड पर कंटेनमेंट और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन जिले की संख्याओं को बढ़ाएं। देश में अब तक यूपी में अब तक कोरोना अपडेट। यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े जारी कर बताया है कि उत्तर प्रदेश में कुल कोरोना के केसेस हैं 3,145, एक्टिव केस हैं 1821, 1,261 मरीज अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना से ठीक हुए, कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। 60 से ज्यादा कोरोना से मरने वालों की संख्या है। कुल कोरोना केसेज अब तक 3,145 है, एक्टिव केस है 1,821, 1,261 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक का कोरोना अपडेट। प्रदेश में इस समय जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या 1,821, कुल अभी तक जो लोग पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी संख्या 1,261, कुल अभी तक संक्रमण के 3,145 प्रकरण सामने आए हैं, जो
68 जिलों से मिले हैं। इनमें से 68 जिलों में से 9 जनपदों में इस समय कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। कुल 63 डेथ्स इसमें हुई हैं। जो सैंपल कल टेस्ट किए गए उनकी संख्या है 4848 सैंपल्स कल टेस्ट किए गए। तो लगातार जो लैब्स की स्ट्रेंथनिंग की गई, उसका एक्सपेंशन किया गया है, लैब्स की संख्या बढ़ाई गई है, उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि शुरू में 200-250 टेस्ट से बढ़ के अब हम 4848 टेस्ट हमने कल किया है। कुल जो अभी तक सैंपल्स टेस्ट किए गए प्रदेश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिला करके उनकी संख्या 116,030 116030। कल भी पूल सैंपलिंग की गई, पूल के द्वारा टेस्ट किए गए सैंपल्स के 373 पूल लगाए गए 373 पूल्स, जिनमें 1779 1779 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। इन 373 में से 18 पूल पॉजिटिव निकले, 355 पूल निगेटिव आए। एक चीज आपको आज मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जो हमारे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनमें एक अच्छा ट्रेंड हम देख रहे हैं, जिसमें संख्या में कुछ कमी आई है। पीछे लगातार एक्टिव इन्फेक्शन केसेस बढ़ रहे थे। 4 मई को एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस 1939 थे, 5 मई को 1862 हुए, 6 मई को 1831, 7 मई को फिर से बढ़कर 1868 और आज 8 मई को 1821। तो 4 मई को जो 1939 एक्टिव इन्फेक्शन केसेस थे आज वो गिर करके 1821 हो गया है। प्रदेश में हमारे जो डिस्चार्जेस है, रिकवरी है, वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। इस समय जो रिकवरी का नेशनल परसेंटेज है इस समय वो 29.35% है। जो लोग भी इन्फेक्टेड हुए हैं उनके रिकवरी का नेशनल परसेंटेज 29.35 है, जबकि उत्तर प्रदेश का इस समय रिकवरी का परसेंटेज 40.09 चल रहा है। और कानपुर में 24 घंटे में ही 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मरीजों की संख्या 293 हो चुकी है, एक्टिव केसों की संख्या 238, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है, आंकड़ा है 6 का। अब तक 49 मरीज ठीक हो चुके हैं, सीएमओ डॉक्टर अशोक शुक्ला ने पुष्टि की है इस बात की। जो लैब से रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार 9 और कोविड के केसेस मिले हैं, बाबूपुरवा के 2, कर्नलगंज के 5 और चमनगंज के 2 हैं। ये नए केसेस सभी को भर्ती कराया जा रहा है। एक केस इसमें से कुल केसों की संख्या की बात करें तो हमारी बढ़कर 200। मालगाड़ी हादसे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दुख जताया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी के चलकर लोगों के कटने के बाद 16 मजदूरों की मौत हुई और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कहना है केंद्र और राज्य सरकार की लापरवाही और संवेदनहीनता का परिणाम है ये। सरकार मजदूरों से किराया भी वसूल रही है, दूसरी तरफ अमीरों के लिए दयावान भी बनी हुई है सरकार। गरीब विरोधी और धन्ना सेठ समर्थक आचरण कर रहे सरकार। बीएसपी सरकार के इस कृत्य की घोर निंदा करती है। सरकार के इस कृत्य की बीएसपी लॉकडाउन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ जटिल समस्या मानवीय त्रासदी देश को नहीं झेलनी पड़ती। केंद्र सरकार देश में लॉकडाउन की घोषणा नियोजित तरीके से करती। खबर गाजियाबाद से है जहां पुलिस का सराहनीय कार्य। शराब माफिया रवि उर्फ अविनाश के घर पर कुर्की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। मोदीनगर थाने के भूपेंद्रपुरी स्थित इंदिरापुरी गेस्ट हाउस की कुर्की जब्ती। यूपी गिरोह बंद और असामाजिक क्रियाकलाप अधिनियम के तहत ही ये कार्रवाई की गई है। खबर नोएडा से जहां फर्जी कॉल सेंटर के जरिए धोखाधड़ी लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया। 25 कंप्यूटर 23 सीपीयू समेत बाइक बरामद, 7 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाला गिरोह गिरफ्तार हुआ। 25 कंप्यूटर 23 सीपीयू समेत बाइक बरामद हुई है, 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया।
आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए धोखाधड़ी का यह पूरा मामला है, जहां पर 25 कंप्यूटर 23 सीपीयू बरामद हुए हैं। धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब इनसे पूछताछ लगातार जारी। कोरोना संकट और लॉकडाउन में मदद के लिए हाथ बढ़े हैं। भोजपुरी भाषी गरीब मजदूर असहाय लोगों के लिए आगे आए हैं लोग। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज आगे आया है इन लोगों के लिए। भोजपुरी भाषी गरीबों मजदूरों असहाय लोगों के घर पर उनके भेजने का पूरा इंतजाम संस्था करेगी। उनके जाने का खर्च भी संस्था ही वहन करेगी। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की ओर से यह कदम उठाया गया है। भोजपुरी भाषी गरीब मजदूर असहाय लोगों को घर भेजने का काम करेगी। कोरोना जैसे महामारी से पूरा दुनिया परेशान है, भारत में भी काफी फैला हुआ है और खासकर जो गरीब गुरबा जो बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं उसके लिए हम लोग उनकी सारी व्यवस्था करने के लिए हम लोग तैयार हैं, कर रहे हैं। और जो भी जो गरीब मजदूर किसान इस तरह से लोग हैं जो परेशान हैं, उनको सारा उनका खर्चा, उनको घर भिजवाने का कार्य, ये सब काम अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। और उनको किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी होगा उसके लिए अखिल भारतीय भोजपुरी समाज उनके साथ है और उनके घर तक भिजवाने का जो किराया भाड़ा है, जो खर्चा है, वो सब हम लोग वहन करेंगे, सब हम लोग उनको देंगे। खबर लखनऊ से है, जहां कोरोना महामारी की वजह से पूरा देश लॉकडाउन झेल रहा है। काम धंधे सब बंद हैं। ऐसे में तमाम उत्तर प्रदेश के बाहर काम करने वाले लोग अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। जिस प्रदेश में यूपी के मजदूर काम करते हैं, उस प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है कि मजदूरों की विपत्ति काल में मदद करे। हमारे प्रदेश के मजदूर दूसरे प्रदेशों में जाकर वहां मेहनत करते हैं, उस प्रदेश को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन विपत्ति काल में वहां की सरकार मजदूरों के साथ खड़ी नहीं होती। ऐसे में जो बाहर से आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से मजदूर हैं, उनसे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। यूपी सरकार उनके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लखनऊ के शेखर हॉस्पिटल की चेयरमैन डॉक्टर ऋचा मिश्रा ने कहा, उन्होंने अपने अस्पताल में भी कोरोना से निपटने के लिए व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अभी तक हम लोगों ने डेटा देखा है कि डेटा सिर्फ बाहर से आने वालों के ही वजह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में फैल रहा था। जब से मोदी जी ने लॉकडाउन किया था, उसके बाद से हमने देखा था काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर लिया गया था यूपी में। लेकिन जब से ये पहले तो जमाती आए बाहर से, उनकी वजह से काफ़ी फैला। उसके बाद ये अब जो माइग्रेंट वर्कर्स, जो हमारे मजदूर भाई जो हैं, जिनको कि दूसरे प्रदेश काम तो इनसे खूब ले लेते हैं, लेकिन जब इस समय मुश्किल का समय आया है, जब सभी लोगों को कहा जा रहा है कि भाई आप उनको बैठा करके और एक महीने दो महीने की सैलरी दीजिए, जो श्रमिक हमारा पूरे साल भर दो दो साल पाँच पाँच साल से उनके यहाँ काम कर रहा है इन फैक्ट्रीज में। आज मैं सुन रही थी, मजदूर बोल रहे थे कि कर्नाटका को और तेलंगाना को चमकाने में हमारा रोल है। ये सच बात है, हमारे श्रमिक इतना दूर, हजार किलोमीटर दूर जा करके वहाँ पे काम करते रहे। और उसके बाद आज जब मुश्किल की पोजिशन आई तो उन स्टेट्स ने तुरंत ये कर दिया कि नहीं, अपने घर वापस जाइए, उनको खाने की सुविधा नहीं है, उनको रहने की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से वो भाग भाग के आ रहे हैं। वो जो आ रहे हैं और ऐसी जगहों से आ रहे हैं, ऐसे प्रदेशों से आ रहे हैं जहाँ पर कि पहले से संक्रमण बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर है, उसकी वजह से अब वो हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में भी आ रहा है। सारे मजदूर भाई जो कुछ पैदल से आ रहे हैं, कुछ साइकिलों से आ रहे हैं, कुछ बसेस से आ रहे हैं, अब जो नई उन्होंने ट्रेन चला दी, कुछ ट्रेन से आ रहे हैं जिसमें कि उतने प्रोटोकॉल्स, जितने प्रोटोकॉल्स कोरोना से बचने के लिए किए जाते हैं, वो नहीं किए जा रहे हैं। और वो आ रहे हैं, उसकी वजह से अब वो अपने घरों में जाएंगे, अपने बाल बच्चों के पास जाएंगे, अपने परिवार के पास जाएंगे और प्लस देश में आकर के, उसकी वजह से हमारा बहुत फैल रहा है। खबर मुरादाबाद से, जहां पर अनोखे ही तरीके से दंपत्ति ने अपनी 50वीं सालगिरह को मनाया। लॉकडाउन में पुलिस मेहमान बनी, शुभकामनाएं दी। बुजुर्ग दंपत्ति के इंजीनियर बेटे की अपील पर पुलिस पहुंची। दंपत्ति का इकलौता इंजीनियर बेटा नोएडा में रहता है। पुलिस से की थी अकेले रहने वाले माँ बाप को कुछ जरूरी सामान पहुंचाने की अपील। पुलिस ने अचानक जाकर दंपत्ति के साथ उनकी 50वीं सालगिरह को मनाया। कोतवाली सदर के लोहागढ़ में अकेले रहते हैं दंपत्ति। बेटे अनुज ने नोएडा से पुलिस का धन्यवाद अदा किया है। खबर हाथरस से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंद डाला। पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। युवक अपने ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा था, बलदेव थाना क्षेत्र के हाथोड़ा गांव जा रहा था युवक। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है।
सूरत से सुल्तानपुर जंक्शन पहुंची स्पेशल ट्रेन, 1192 यात्रियों की सुल्तानपुर जंक्शन पर हुई स्क्रीनिंग। डीएमसी इंदुमती और पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा मौजूद रहे। व्यवस्था की पड़ताल की। प्लेटफॉर्म संख्या एक पर लगे स्क्रीनिंग काउंटर, भीड़ को सैनिटाइज करने के दौरान भड़की जिलाधिकारी, सफाई नायक को कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया। दर्जन भर से ज्यादा बसों का स्टेशन पर जमावड़ा। स्क्रीनिंग में संदिग्ध मिलने पर यात्री किए जाएंगे क्वारंटीन। ये जो ट्रेन है सूरत से आई है, लगभग 822 पैसेंजर्स है सुल्तानपुर के लिए बताया जा रहा है। पर प्रॉपरली नोटिंग एंड लिस्टिंग वगैरह हो रहा है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद ही आपको स्पष्ट तरीके से पता चलेगा। पर अप्रॉक्सीमेटली 1200 पैसेंजर्स आए हैं। एक्चुअली सबका मेडिकल स्क्रीनिंग फर्स्ट हम लोग कराते हैं, तो अगर ये पूर्ण तरह से स्वस्थ है फिर अदर जिले के लोगों को बस की व्यवस्था हमने कराया, तो उनको घर के अपने अपने जिले में भेजा जा रहा है। आज हमारे जो सुल्तानपुर के लोग हैं वो अगर स्वस्थ हैं उनको भी दैनिक में बस में बिठा के अपने होम क्वारंटाइन के लिए 21 डोज होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है। जो स्वास्थ्य नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को फीवर है, किसी को खांसी है, किसी को सांस लेने में से तकलीफ हो रहा है, उस तरह के लोगों को सीधे इसकी फैसिलिटी क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में जाने के बाद उनका सैंपल ले लिया जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली रिजल्ट के बाद आगे। नहीं वो तो ये जो लोग हैं काफ़ी दो दो दिन एक एक दिन प्रयास मतलब ट्रैवल करके आए हैं, इस तरह की चीज़ तो अभी देखने को नहीं मिला। अभी मेरे सामने ही ये चीज़ चेक किया गया था, जिसमें मेरे सामने जो हमने चेक किया लगभग 4-5 लोगों का फीवर नहीं था। तो अगर इस तरह के क्वारंटाइन का काम है ये तो नहीं कर रहे लग रहे लग रहा है, फिर भी वो दिखाई दे रहा है। इसलिए उन लोगों को हमने क्या किया, ये जो वेटिंग रूम है उनको हम बैठा दे रहे हैं, उसके बाद दोबारा हम टेस्ट कराएंगे आधे घंटे के बाद, हमको साफ साफ चीज़ें पता चलेगी। इसके अलावा 21 डेज होम क्वारंटाइन पे रखा जा रहा है इन लोगों को। मान लो आज नहीं, इतने सारे लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन पे रखने की क्या आवश्यकता है।